Good morning, everyone, and welcome all of you in online education program organized by Deepshikha Kala Sansthan and University of Technology. So let's come to the point. Today we are discuss about management of inventory. There are two words. First is management, second is inventory. So management of inventory को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री. व्हाट इज इन्वेंट्री और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्वेंट्री इज स्टॉक ऑफ गुड्स. बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, ट्रेडिंग फर्म में जो भी हमारे पास गुड्स का स्टॉक है दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन्वेंट्री defined as the sum total of value of raw material, work in progress and finished goods. Business में हमारे पास जो भी raw material का, work in progress का और finished goods का जो stock है, जो goods है, उसका जो total value है, that is called inventory. After the discussion of meaning of inventory, we discuss requirement of inventory. और why business firms have inventory. क्यों business firm को requirement है inventory की, क्या need है inventory की. तो first point हम कह सकते हैं for regular production of process. Business में regular production process के लिए inventory की requirement है. In the absence of sufficient stock of raw material, production would be hampered. यदि business में sufficient stock raw material का नहीं होगा तो हमारा production उससे affected होगा और वो business के लिए loss है. Second one is reducing order cost. Every time a firm place an order, it include certain cost. Business के हर order में एक cost include होती है. For example, जब बिजनेस में हमको गुड्स अराइव होता है, दे मस्ट बी एक्सेप्टेड, इंस्पेक्टेड एंड काउंटेड. हमको उसको इंस्पेक्ट करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, उसको काउंट करना होता है. इसके अलावा बिजनेस में यदि हम रॉ मटेरियल के लिए बार बार ऑर्डर करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट से कम किया जा सकता है. यदि हम सफिशिएंट ऑर्डर करेंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज गेनिंग क्वांटिटी डिस्काउंट. देखिए, यदि किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए हमारा ऑर्डर बहुत लिमिटेड है, बहुत शॉर्ट है, तो और इसकी जगह यदि हमारा ऑर्डर जो है मटेरियल के लिए वो यदि लार्ज है, वो यदि ज़्यादा है, तो हमको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल सकता है. तो इन्वेंट्री की यदि हम सफिशिएंट और क्वांटिटी में यदि ऑर्डर करते हैं तो हमको उसका जो डिस्काउंट है वो रिसीव हो सकता है. अवॉइडिंग लॉसेस ऑफ सेल्स. इफ द फर्म डज नॉट हैव गुड्स फॉर सेल, यदि बिजनेस के पास सेल करने के लिए गुड्स अवेलेबल नहीं है, इट विल लॉस ऑफ सेल. तो ये बिजनेस के लिए सेल का नुकसान है, सेल का लॉस है. नेक्स्ट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी. द फर्म हैज आल्सो टू होल्ड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू यूज इट्स अनयूटिलाइज्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी. यदि बिजनेस के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो वो अपनी जो भी उसकी यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकती है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. इन्वेंट्री मैनेजमेंट मींस एफिशिएंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन रॉ मटेरियल एंड सप्लाइज WIP एंड फिनिश गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में जो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है रॉ मटेरियल में, वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में, उसका मैक्सिमम रिटर्न हमको मिल सके, उस पर एफिशिएंट कंट्रोल हमारा हो,
ये सारे काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आते हैं। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वी कैन से द पर्पस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज टू कीप द स्टॉक इन सच ए वे दैट नाइदर इज ओवर स्टॉकिंग नोर अंडर स्टॉकिंग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन पर्पस ये है कि बिजनेस में इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कुछ इस तरह से हो कि ना तो बिजनेस में ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही बिजनेस में अंडर स्टॉकिंग हो। यह है बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पर्पस। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर फ्लो ऑफ मटीरियल। द इन्वेंट्री मैनेजमेंट हैज टू एंश्योर द मेंटेनिंग ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटीरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट द रिक्वायर्ड टाइम सो दैट रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क शुड नॉट हर्ट। बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये देखता है, ये मेंटेन करता है कि बिजनेस को जो भी क्वांटिटी मटीरियल की जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो उसको टाइम टू टाइम मिल सके, जिससे बिजनेस में जो भी प्रोडक्शन वर्क है वो हर्ट ना हो, उसका नुकसान ना हो। नेक्स्ट, रिस्क मिनिमाइजेशन। द फर्म शुड ट्राई टू द एक्सटेंट पॉसिबल टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क एंड लॉसेस ड्यू टू स्टॉक आउट एंड चेंजेस इन डिजाइन फैशन ईटीसी। रिस्क मिनिमाइजेशन का काम बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ही होता है कि स्टॉक आउट की सिचुएशन बिजनेस में ना हो, या कई बार फैशन मटेरियल्स में डिजाइन उसकी फैशन जो है उसका वो चेंज हो सकते हैं, तो हमको इन्वेंट्री कितनी रखनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी है, ये सारा काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग ऑफ स्टॉक आउट डेंजर। इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल और फिनिश गुड शुड बी मेड अवेलेबल टू द मैनेजमेंट सो दैट प्लानिंग फॉर पर्पज एट राइट टाइम कैन बी डन। नेक्स्ट, मेकिंग पॉसिबल मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओवर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स रिजल्ट इन अननेसेसरी एंगेज ऑफ द फर्म फंड्स एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इन ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म इज देयर फोर टू मिनिमाइज द फंड्स एंगेज इन इन्वेंट्री। बिजनेस में क्या होता है, ओवर स्टॉकिंग यदि हमारे पास है तो उससे अननेसेसरी हमारे जो फंड्स हैं वो एंगेज हो जाते हैं और इससे हमारे प्रॉफिट का लॉस होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म में मिनिमाइज द फंड एंगेज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में जो फंड्स हमारे एंगेज हो रहे हैं, जो इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो मिनिमम हो, लेकिन बिजनेस को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, स्टॉक आउट जैसी सिचुएशन बिजनेस के सामने ना आए। नेक्स्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट। द इन्वेस्टमेंट कैन बी मिनिमाइज व्हेन ए परफेक्ट मैच इज ब्रॉट बिटवीन टू सेट्स, इन्वेंट्री कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। And we can discuss cost associates with inventory. कौन कौन सी cost है जो inventory में invest होती है, inventory के साथ associate होती है? First of all, material cost. There are the cost of purchasing the goods plus transportation and handling charges. It may be calculated by adding the purchase price less if any discount, the delivery charges and the sales tax if any. इन सारी कॉस्ट से हमारी मटेरियल कॉस्ट निकलती है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हेन ऑर्डर आर प्लेस्ड बाय द फर्म विद सप्लायर्स टू रिप्लेनिश इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, सर्टेन कॉस्ट आर इन्वॉल्व्ड व्हिच आर नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम बिजनेस में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट इंक्लूड होती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज कैरिंग कॉस्ट। The cost associated with holding a given level of inventory on hand are called inventory carrying cost and vary with the level and length of time inventories hold. Carrying cost किसी भी material को हमारे पास hold करके रखने के लिए जो cost हमारी उसकी आती है, that is called
इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास माल बनकर तैयार है, हमने उसको अपने गोडाउन में रखा हुआ है, हमारे पास फिनिश गुड्स इतना ज़्यादा है कि हमको उसको फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए यदि उनको उसको हमारे पास रखना हुआ, तो जो भी गोडाउन का रेंट है या उसमें लगने वाली लेबर है या उसमें जो वर्कर्स हमारे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी है, ये सारी कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होती है। यहाँ पर एक नोट है, इन प्रैक्टिस दीज कॉस्ट आर कैलकुलेटेड ऑन एन एनुअल बेसिस एंड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू। ये एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट होगी और परसेंटेज के थ्रू दिखाई जाएगी। एंड द लास्ट कॉस्ट इज स्टॉक आउट कॉस्ट, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। जब भी बिजनेस में इन्वेंट्री की शॉर्टेज आती है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक आउट और शॉर्टेज कॉस्ट। नेक्स्ट, यहां से हमारा स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल पॉइंट, टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री। व्हाट इज द टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री, कौन कौन सी टेक्निक्स है इन्वेंट्री के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द ऑर्डर वेयर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, बोथ आर इंक्लूड इन इन्वेंट्री कॉस्ट, आर मिनिमाइज्ड। EOQ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स। ये 3 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपके इन्वेंट्री के ऑर्डर करने की उस साइज से है कि आपको कितना ऑर्डर करना है जिससे आपके बिजनेस में ऑर्डरिंग कॉस्ट और उस मटेरियल को रखने की कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमाइज हो। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फॉर्मूला मेथड है इसका वो मेन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड, सेकंड वन इज फॉर्मूला मेथड एंड थर्ड वन इज ग्राफिक मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस फॉर्मूला मेथड, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मेथड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ? EOQ इक्वल टू RO अपॉन C अंडर रूट। What is the full form of EOQ, R, O and C? We discuss. EOQ means economic order quantity. Previous में हम consult कर चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके ऊपर। R, what is R? Annual requirement or consumption in units. Business में material की annual requirement क्या है और क्या business में उसका consumption है in units में। O4, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आ रही है वो ओ के थ्रू हम दिखाएंगे। नेक्स्ट सी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। किसी भी एक यूनिट को 1 साल तक हमारे पास रखने की कॉस्ट क्या होगी, दैट इज सी। आफ्टर EOQ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हमको कितने ऑर्डर्स देने हैं। फॉर्मूला है R डिवाइडेड बाय EOQ। यहाँ R एनुअल रिक्वायरमेंट और कंजप्शन इन यूनिट्स वही है सेम। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स वी कैन कैलकुलेट टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। जब हमको ये पता चल जाएगा कि साल भर में हमको कितने ऑर्डर देने हैं, तो हम इजी वे में ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम गैप होगा। कैलकुलेट विथ द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आफ्टर द टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स कैलकुलेशन वी डिस्कस टोटल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट क्या है। और फॉर्मूला है परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस
ऑर्डरिंग कॉस्ट, और तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। परचेज कॉस्ट कैलकुलेट होगी आर मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी ई ओ क्यू डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय सी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी आर डिवाइडेड बाय ई ओ क्यू मल्टीप्लाई बाय ओ। देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आपको सॉल्व करने हैं तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट ई ओ क्यू और टोटल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इन मुकेश लिमिटेड 4000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम आर कंज्यूम पर ईयर। आपको कहा जा रहा है कि पर ईयर जो आइटम कंज्यूम्ड होता है दैट इज 4000 यूनिट्स, एक साल में 4000 यूनिट्स का कंजम्पशन है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹60, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है 60, पर यूनिट परचेजिंग प्राइस इज ₹10, परचेज प्राइस जो है वो है ₹10। इफ द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 30% ऑफ 10 is ₹3, देन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी, क्या होगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं ईओ क्यू। ईओ क्यू यदि हमको कैलकुलेट करना है तो पहले EOQ का जो फॉर्मूला है हमको वो डिस्कस करना होगा। EOQ इक्वल 2RO अपॉन C अंडर रूट, तो 2 मल्टीप्लाई बाय R जो कि है एनुअल रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द एनुअल रिक्वायरमेंट? 4000 यूनिट्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय O ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹60, 2 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30% ऑफ 10 दैट इज 3। तो आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ बाय आफ्टर द कैलकुलेशन बाय दिस फॉर्मूला वी कैन गेट 400 यूनिट्स, दैट दिस इज द EOQ। तो नाउ EOQ इज कैलकुलेटेड 400 यूनिट्स। आफ्टर EOQ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स फॉर्मूला है हमारा R divided by EOQ, R requirement 4000 divided by EOQ जो हमने अभी just calculate किया 400, 4000 divided by 400 तो number of orders होंगे 10। What is the time gap between two orders? We can calculate time gap between two orders, R divided by, sorry, number of days in a year divided by number of orders. What is the number of days in a year? 365 divided by number of orders 10. So jo time gap between two orders hoga, that is 36.5 days. That means we can say after 36.5 days humko next order place karna hai. What is the total cost? Total cost humko calculate karni hai. फॉर्मूला परचेज कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट परचेज कॉस्ट आर मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस आर, एनुअल रिक्वायरमेंट 4000 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस इज 10, प्लस कैरिंग कॉस्ट हमको कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैरिंग कॉस्ट? ईओ क्यू दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 is C, carrying cost, 30% of 10, 3, plus ordering cost. What is the formula of calculate ordering cost? R divided by EOQ multiplied by O. R annual requirement is 4000 divided by 400, jo ki EOQ hai, multiplied by ordering cost, that is 60. After this calculation, we can get 41
40,200, 40,000 plus 600 plus 600. 40,000 is purchase cost, 600 is carrying cost, 600 is ordering cost. So total is 41,200. यहाँ पर हमने calculate किया EOQ, number of orders, time gap between two orders and total cost. Next part after the EOQ हम calculate करेंगे हमारी next class में. Thank you so much.